ओके गाइस, तो ये है 1 लेवल टू 20 लेवल फाइट जो कि हम करेंगे ड्रेन सोर्ड के साथ। ठीक है, ड्रेन सोर्ड छोटा सा बेब्लेड जिसकी फाइट करेंगे बस्ट और एक्स सीरीज के बेब्लेड से, एंड इसको सिर्फ 10 बेब्लेड से फाइट करेंगे क्योंकि 20 बेब्लेड से फाइट करना थोड़ा सा लंबा हो जाता है और उनसे जीत ही जाएगा ये लगभग। तो गाइस हाँ, इसमें एक रूल चेंज है, 3 पॉइंट्स की बैटल होगी, यानी कि 3 बार 3 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे ड्रेन सोर्ड को जीतने के लिए, ऐसे कह सकते हैं क्या? हाँ ऐसे मान लो यार, क्योंकि ड्रेन सोर्ड जो है ये एक अग्रेसिव बेब्लेड है, ये बाहर जा सकता है स्टेडियम से, इसलिए इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसने सीधा ही आउट कर दिया तो इसका 1 पॉइंट चला जाएगा। हम 2 पॉइंट नहीं लेंगे, 3 पॉइंट नहीं लेंगे एक्सट्रीम डैश के, 3 बैटल ही करनी पड़ेंगी, यानी कि अगर बस फिनिश के सिर्फ 2 पॉइंट लेंगे हम, एक्स सीरीज के रूल नहीं लगाएंगे, बस सीरीज के लगाएंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट उसके, रिंग आउट का 1 पॉइंट, स्पिन फिनिश का 1 पॉइंट। तो ऐसे करते हैं फाइट, और गिव अवे का रिजल्ट कल आ जाएगा, कल बता दूंगा मैं वीडियो के अंदर ही। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओके गाइस, तो करते हैं अभी फाइट इसकी, एंड सबसे पहले हम ले लेते हैं बस सीरीज को, वेलक्री से करते हैं, वेलक्री देखेंगे भाई क्या झंडे गाड़ेगा इसके सामने। ओके लेट्स सी, 3 2 1 हो जाए शुरू। मोहन बस करते हैं, नाइस। ओके 2 पॉइंट होते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से बर्स्ट किया गया इसी, तो मुझको लगता भी नहीं है ये 10 लेवल तक पहुंच भी पाएगा, बट देखते हैं कहां तक पहुंचेगा, क्योंकि इसको हारने का चांस बहुत ज़्यादा है। देखते हैं भाई मिडनाइट के सामने क्या रहता है, लेट्स सी। अबे यार क्या था ये, क्या था भाई, अगर अब भी जीत गया, अरे भाई जीत गया ये कैसे किया इसने? गाइस विनर है ड्रेन सोर्ड 1 पॉइंट के साथ, भाई ये तो खतरनाक था, बाहर से अंदर आके जीत गया, वो भी एक स्टेमिना टाइप से। क्या हो गया इसको, एक्सट्रीम डैश ही नहीं किया भाई, ऐसे थोड़ी जीतेगा। ओके 1-1 पॉइंट की बराबरी होती है ड्रेन सोर्ड वर्सेस विंड नाइट के बीच में, नाइस। कोई भी एक्सट्रीम डैश इसका सक्सेसफुल हो नहीं रहेगा इस, तो अब मुझे नहीं लगता है जीत पाएगा। उछल रहा है भाई, अबे मार बढ़िया सा मारना है, ओ नाइस। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यहीं पे हारने वाला है, माफी चाहूंगा गाइस, क्योंकि हमारा जो रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप हो गया था अपने आप ही, दोबारा कर लेते हैं। 2 पॉइंट हो चुके हैं एयर नाइट के, कम ऑन ट्रेंसवर्ड, यू कैन डू इट ब्रो, कम ऑन, यस। ओ हो, 2-2 पॉइंट की बराबरी हो गई भाई दोनों के 2-2 पॉइंट हो चुके हैं, अब तीसरे पॉइंट की बैटल देखते हैं कि कौन जीतेगा भाई, लेट्स सी। अबे चिच्चा लॉन्च तो हो जा ढंग से, टिल्टेड लॉन्च करना पड़ेगा मेरे को ड्रेन सोर्ड, ताकि एक्स गिमिक कम से कम यूज करे, क्योंकि कोई फायदा नहीं है एक्स गिमिक का यूज के सामने, बाहर नहीं कर पाएगा भाई। भाई टिल्टेड काम आ गया गाइस, ठीक है बहुत मुश्किल से जीता लेकिन जीत गया गाइस, बिल्कुल बराबरी बराबरी पे आके, नाइस वन। जस्ट अखिलेश के सामने देखते हैं अब, लेट्स सी जस्ट अखिलेश। क्या हो रहा है भाई, डायरेक्ट हिट नहीं मार पा रहा ये, पहला पॉइंट जाता है जस्ट अखिलेश को। हाँ यार अब तो कोई चांस ही नहीं जीतने का, यप पहला पॉइंट है जस्ट अखिलेश का। सेकंड पॉइंट की बैटल देखते हैं, पहला पॉइंट तो जस्ट अखिलेश जीत गया भाई, ऑन ड्रेन सोर्ड होते उड़ा दे भाई, जीत ही जाता यार, बाहर नहीं जाता तो शिट। 2 पॉइंट होते हैं जस्ट अखिलेश के 2 पॉइंट हो चुके हैं गाइस पहले ही, अब देखना ये है क्या तीसरा भी कर पाएगा। ओ भाई इस बार तेज मारा जेस्ट को, बस हो सकता है इस बार जेस्ट, एक एक्सट्रीम डैश कर दे भाई,
नहीं हो पाया बढ़िया वाला एक्सट्रीम डैश, एंड हारने वाला है ड्रेस वॉर्ड। ओ भाई जीत गया, पहली बार जीता ड्रेस वॉर्ड। 1 पॉइंट ड्रेस वॉर्ड का, 2 पॉइंट जस्ट अखिलेश के। नाइस, मजा आ गया भाई। ये तो जस्ट को सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए जीतने के लिए, ड्रेन को चाहिए 3 पॉइंट, सॉरी 2। बस कर दिया, सॉरी बस नहीं किया, बाहर कर दिया। 2-2 पॉइंट की बराबरी होते हुए गाइस। ओके, तो थर्ड बैटिंग करते हैं। भाई बाहर ही भेज दिया था जस्ट अखिलेस को, एंड शायद जीत सकता है ड्रेस वॉर्ड। ओ भाई नाइस, जस्ट अखिलेस से भी जीतता हुआ बेटे, ये तो नेक्स्ट लेवल था। ओके, गिल्टी लुइनोर से देखते हैं अभी। गिल्टी लुइनोर फर्स्ट बैटल करते हैं गाइस। 3-2-1 हो जाए, कम ऑन। वूहू बेटे, क्या इंपैक्ट्स लग रहे हैं भाई। एंड विनर इज ड्रेंस वॉर्ड, थोड़ा सा शायद शायद, और इसको क्लिक्स आए हैं भाई, कमाल की बात है। एक क्लिक और आता तो बस था ये। भाई क्या मारा है गिल्टी को यार, नाइस। सेकंड बैटल, और सेकंड बैटल है गिल्टी के नाम। थर्ड बैटल गाइस, मौन देखते हैं भाई। अरे हो गया, इस बार गिल्टी जीत गया। ठीक है, 2 पॉइंट होते हैं गाइस गिल्टी के, 1 पॉइंट है ड्रेस वॉर्ड का। थर्ड बैटल, ओके तो अभी 2 पॉइंट्स हैं ड्रेस वॉर्ड के। ओ भाई बच गया मैं यार, मेरे को ही एक्सट्रीम डैश मार रहा है ये। थर्ड पॉइंट की बैटल करते हैं, दोनों का 2-2 पॉइंट हो चुका है भाई। ये क्या था, दोबारा करते हैं, लेट्स सी। मोन ट्रांसपोर्ट मार भाई मार। ओके, तो शायद ये ड्रॉ है या फिर ड्रेस वॉर्ड जीता है। एक बार और कर लेते हैं यार भाई, ये गिल्टी का ना ये जो ड्राइवर है इसको हमेशा बचा लेता, नहीं तो गिल्टी के तोते कब का उड़ा चुका था ड्रेस वॉर्ड। ओके क्या चल रहा है भाई, चल क्या रहा है समझ ही नहीं आ रहा, पर जो भी है थर्ड पॉइंट ड्रेस वॉर्ड के नाम, एंड गिल्टी होता है मुकाबले से बाहर। ओके, अब बारी है हमारे अल्टीमेट वैल्क्री से करने की। इसकी दोनों का लगभग सेम मैकेनिज्म है, लेट्स सी अल्टीमेट वर्सेस ड्रेस वॉर्ड। बेटे मारो एक दूसरे के झंडे काट दो, पहला पॉइंट जाता है ड्रेस वॉर्ड को। ओह शिट, ड्रेस वॉर्ड का बैलेंस खराब होते हुए और पहला पॉइंट खोते हुए। ठीक है भाई, पहला पॉइंट गया हाथ से भाई, जीतता हार गया। ससुर का नाती, चलो वो भी है। लेट्स सी क्या रहता है सेकंड बैटल। 3-2-1 हो जाए शुरू। ओ हो भाई, वैल्क्री को बहुत बुरा मार रहा है यार, बस बैलेंस खत्म हो जाता है इसका इन दी एंड जाके, तब हारने का चांस होता है थोड़ा सा, बट 1-1 पॉइंट की बराबरी होते हुए दोनों की ही। नाइस वन भाई, लिटरली इसको बश कर दिया था। अगर एक और बढ़िया सा इंपैक्ट हो जाता तो वैल्क्री खत्म था। मोन बढ़िया एक्सट्रीम डैश फिनिश, तोते उड़ा दे। 1-1 पॉइंट की बराबरी हो गई गाइस, एंड दूसरा पॉइंट जाता है वैल्क्री को। 2 पॉइंट हो गए वैल्क्री के, 1 पॉइंट है ड्रेस वॉर्ड का। नाइस वन वैल्क्री, लेट्स सी क्या पाते हो।
गया भाई, वेलकरी गया इस बार, बहुत बुरा मारा है वेलकरी को, लेकिन ड्रेंसवर्ड का भी थोड़ा स्टेमिना खत्म हो चुके। देखना होगा कौन जीतेगा, ड्रेंसवर्ड जीत गया। ओके, दो दो पॉइंट की बराबरी गाइस, नाइस। थर्ड पॉइंट की बैटल, जो जीतेगा वो जीतेगा एक टाइप से, क्योंकि दोनों के दो दो हैं। कम ऑन ब्रो, ड्रेंसवर्ड ब्रो, भाई वेलकरी को बहुत मार रहा है लेकिन हिट हो नहीं पा रहा वेलकरी को, बट जीत गया फिर भी, कमाल की बात है, झंडे काट दिए भाई अल्टीमेट के भी। ओके, अब बारी है हेल साइड से करने की, दो एक्स सीरीज बेब्लेड्स, 5 लेवल तक यानी कि 15th लेवल तक पहुंच गया ड्रेंसवर्ड, नाइस। 3-2-1 हो जाए, क्या नाम था इसका, शार्क एज, हारते हुए गाइस, पहला पॉइंट शार्क एज, हार गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, 3-2-1 हो जाए, गया फिर से, गया शार्क एज नहीं नहीं, ड्रेंसवर्ड भी गया, कौन जीतेगा, ड्रेंसवर्ड ही जीता है, ठीक है, शार्क एज गया गाइस। ओके, लास्ट बैटल शायद, तो क्योंकि आराम से जीत रहा भाई ट्रेंसवर्ड, भाई साहब एक ही बार में बराबरी कर ली है शार्क एज ने, 2 पॉइंट लेके बस फिनिश, तोते उड़ा दिए भाई, कुछ भी कहो लास्ट पॉइंट की बैटल, ड्रेंसवर्ड ब्रो, एंड जीता है ड्रेंसवर्ड गाइस, बहुत ही बढ़िया तरीके से, नाइस करने की, देखने की नाइट शील्ड के सामने क्या टिक पाएगा ट्रेंसवर्ड। 3-2-1 हो जाए शुरू। ओके, पहली बैटल एंड एक बॉस फिनिश के साथ खत्म होते हुए एक ही सेकंड में, मेरे ख्याल से नीचे भी नहीं टिके होंगे, धरती से ऊपर ही ऊपर निपटा दिया भाई ट्रेंसवर्ड ने नाइट शील्ड को। 3-2-1 हो जाए, बच गया है इस बार नाइट शील्ड, नाइस ड्रेंसवर्ड, एक पीछे से मार भाई, पीछे से मार, पीछे से मार, डाउन हो चुका है बिल्कुल ही नाइट शील्ड भाई, ड्रेंसवर्ड कह रहा है मैं खेलूंगा ही नहीं, वो अपने आप ही हार जाएगा लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा भाई, अगर देखो तो बढ़िया तरीके से खत्म है यार नाइट शील्ड लग ही रहा था मेरे को। ओके, गया नाइट शील्ड भी गया गाइस, इन महाशय से करने की लियोन क्लो से, 3-2-1 हो जाए शुरू, पहला पॉइंट लियोन क्लो के हाथ में। ओके, 3-2-1 हो जाए शुरू, दूसरी बैटल भी लियोन क्लो के हाथ में, लेकिन ड्रेंसवर्ड अपनी कमबैक के लिए ही जाना जाता है। 3-2-1 हो जाए शुरू, ये क्या हुआ लॉन्च ही नहीं हुआ भाई लास्ट बैटल इसकी तरफ से, इसके अभी भी 3 पॉइंट बचे हैं, 3 पॉइंट करने हैं उसको 3-2-1 हो जाए शुरू, एंड गाइस 1 पॉइंट होता है सीधा सीधा ट्रेंसवर्ड का, शुरू। ओके, 2 पॉइंट होते हैं ट्रेंसवर्ड के, ये बैटल जीतेगा वो जीत जाएगा, एंड द विनर इज ट्रेंसवर्ड। अब बारी है यूनिकॉर्न स्टिंग की, लास्ट है हमारे पास फिनिक्स विंग, लेट्स सी। 3-2-1 हो जाए शुरू। ओके, गया भाई यूनिकॉर्न स्टिंग, 1 पॉइंट जाता है ड्रेंसवर्ड को, नाइस वन ड्रेंसवर्ड, 19th लेवल पे पहुंचते हुए। 3-2-1 हो जाए, खत्म हो गया भाई स्टिंग, इस बार गया स्टिंग खत्म, 2 पॉइंट ड्रेंस उड़ गए भाई शुरू। दो दो पॉइंट की बराबरी होते हुए गाइस, ठीक है भाई लास्ट बैटल करते हैं दोनों का, ये कि दो दो पॉइंट हो चुके हैं। 3-2-1 हो जाए शुरू,
स्टिंग गया भाई, स्टिंग अभी भी बच सकता है क्योंकि ड्रेन सोड एक अटैक टाइप है, स्टिंग एक बैलेंस टाइप है, एंड ये शायद ड्रॉ होता है। दोबारा करेंगे 3-2-1 हो जाए शुरू। एंड अरे यार मेरा तो अंगूठा ही टूट गया। ओके तो ड्रेन सोड यहीं पे हारता है गाइस। भाई मेरे अंगूठे इस अंगूठा कह रहा हूँ उंगली में बहुत दर्द होने लग गया यार एकदम से। ठीक है तो लास्ट बेब्लेड तक पहुँच ही नहीं पाया ड्रेन सोड स्टिंग पे हारते हुए गाइस। क्या हो गया यार इसके। ठीक है तो हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि पता नहीं क्या हो गया यार एकदम से। ओके तो बाय बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।